2024 में प्रधानमंत्री किसे चुनना पसंद करेंगे आप? मोदी जी को तो नहीं चुनना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है। क्यों? पब्लिक आप देख रहे हो परेशान ही है, चाहे जॉब से ले लो चाहे महंगाई से ले लो, हर चीज़ से परेशान है। तो कोई भी नहीं चाहता, 50% से ज़्यादा लोग तो चाहते ही नहीं है कि मोदी जी आए। अच्छा, फिर किसे चाहती है, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? अभी के टाइम में जो अभी तक है, ममता बनर्जी भी अच्छा काम कर रही है मैडम जी, लेकिन ये दिल्ली के लिए फिलहाल तो कह नहीं सकते, यहाँ पे दिल्ली के लिए कौन आना चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी आपने नाम लिया, मतलब क्या? क्योंकि ममता बनर्जी हर क्या कहते हैं हर लोगों के लिए अच्छा काम करती हैं, सबके लिए, इसलिए बोला। लेकिन मोदी जी की क्या कहते हैं उसमें, जब से वहाँ आए हैं आम पब्लिक तो परेशान ही है, आपको पता है महंगाई से। बस आप काफ़ी नाराज़ हैं मोदी जी से, क्या वजह है? महंगाई से, मैं अकेली अपने घर की कमाने वाली हूँ, जब से मोदी जी आए मैं अपने घर को लेके बहुत परेशान हूँ, कमाई को लेके, क्योंकि मैं अपनी अकेली कमाने वाली हूँ। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से देश का माहौल ख़राब या हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है? वो तो आप सभी को पता है हिंदू मुस्लिम कितना हो रहा है और कम नहीं ज़्यादा ही हो रहा है, जहाँ लोगों को मिलाना चाहिए वहाँ धर्म के नाम पर बंटवारा ही है हर जगह। क्या मोदी जी ने देश के मुसलमानों को परेशान कर दिया, आपको ऐसा लगता है? नहीं, पैसा परेशान तो नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना जहाँ आपस में आपका कहीं मिले हों तो उनको डिवाइड एंड रूल कर दो, वो वाला हिसाब है कि जहाँ आप एक होना चाहते हैं वहाँ आपको एक होने नहीं देंगे, किसी ना किसी मुद्दे पे वो आपको लड़वा के अलग होना है। वो अपने जहाँ मेरा एरिया भजनपुरा वहाँ पे आपने देखा क्या बुरा हाल हुआ था 2 साल पहले, तो उसी चीज़ को लेके भाईचारा बिगाड़ रहे हैं क्या मोदी जी? जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों लगता है? अपनी आँखों से देख रहे हैं मैडम हम तो, जहाँ जहाँ एक होकर रहना चाहिए वहाँ एक होकर कोई रहता नहीं है। पहले के टाइम में अच्छे लोग थे लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है, दिल्ली में ख़ासतौर से नहीं रही है। मैं दिल्ली से बाहर चली जाऊँ वहाँ मुझे इतना कुछ नज़र नहीं आता जितना दिल्ली में नज़र आता है। अच्छा, इसलिए चाहती हैं कि मोदी जी जी। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोच? नहीं, राहुल गांधी के बारे में तो मैं खैर अभी बता नहीं सकती मैडम, क्योंकि मैं इतना वो नहीं हूँ। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए 2024? एब्सोल्युटली बीजेपी, भाजपा की। भाजपा की? क्यों भाजपा की? भाजपा की बिकॉज भाजपा हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही है, बहुत अच्छे वर्क किए हैं स्पेशली फॉर वुमेन्स, यस, इसलिए भाजपा आई सपोर्ट। लेकिन उधर केजरीवाल जी हैं वो कह रहे हैं कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री, हमारा अनपढ़ बता रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो क्या लगता है आपको ऐसे शब्दों का? इतने दूर दूर विदेश में जा के वो कह रहे हैं वो अनपढ़ हैं, केजरीवाल कभी गए हैं? हमारे लिए तो मोदी जी इतने मोटिवेशनल रहे हैं, हमें उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं, उन्होंने जो हर एक पग में वो हमें सिखाते हैं स्टूडेंट के लिए, एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी हूँ तो, और मैं साथ ही बच्चों को टीच भी करती हूँ, तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी मोटिव करते हैं बच्चों को क्लास के लिए उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री, सही है क्या केजरीवाल? बहुत गलत है। मैं तो सपना है केजरीवाल जी का कि प्रधानमंत्री अब बन, कभी नहीं होगा, कभी नामुमकिन है ये चीज, ये नामुमकिन है। कौन रहेगा फिर गद्दी पर? बस वही जो है मोदी जी रहेंगे। क्या खास वजह है मोदी जी? बस यही वजह, उनमें ऐसी क्वालिटी है जो क्वालिटी किसी अदर लीडर में नहीं है। देख रहे हैं ना आज जो बात इंडिया में आप बदलाव देख रहे हैं उसका एक ही रीजन है, सिर्फ मोदी मोदी है जी। मोदी के अलावा कांग्रेस वाले कोई नहीं है? ना, कभी नहीं। कांग्रेस वाले क्या, कांग्रेस तो की सरकार राजस्थान में, आप राजस्थान से आते हैं तो क्या लगता है कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए? नहीं, मेरी तरफ से तो मुझे कोई फायदा लगा नहीं आज तक कांग्रेस की तरफ से। हाँ, बीजेपी आई है उसने हमारे लिए काफी कुछ अच्छा करा है अब तक जो मैंने देखा है, बहुत अच्छी। मोदी जी के आने से हम चूल्हे में रोटियां मैंने खुद नहीं बनाई है, बट जो मोदी जी आए हैं उन्होंने हमें जो गैस उज्ज्वला योजना चला करके और बेटियों के लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो उन्होंने बनाए हैं, अभी आप देखिए सेफ हैं, वो सब मोदी जी की वजह से। ये सब मोदी जी की देन जी, बिल्कुल। लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा, कह रहे कि मोदी जी कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हमारे राजस्थान में ही सभी लोग बीजेपी से बहुत प्रभावित हैं और खासकर मोदी जी से। मोदी जी जो हैं और हमारी जो वसुंधरा राजे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हम लोगों के लिए। गहलोत जी नहीं कर रहे?
ना 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 गहलोत जी ने नहीं, हर बार वैकेंसी में, अभी रीट देखिए आप, रीट में सारा लीक हुआ पेपर, उसके बाद जो हमारा सीएचओ का पेपर हुआ वो भी लीक हुआ, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हम बच्चे इतनी रात रात भर आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाई करते हैं और लास्ट में रीज़न ये होता है कि हमारे जो पेपर है वो लीक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस सरकार से, बिल्कुल खुश मोदी जी से। बिल्कुल आ रहे हैं मतलब? जी जी बिल्कुल आएंगे। बिजेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं, राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार। बात करें 2024 को लेकर तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की क्या वजह है बीजेपी की सरकार बनाने की? एक तो भ्रष्टाचार कम हो जाता है, दूसरा मुद्दा है हमारे देश का भला होता है, और देश दूसरे विपक्षी लोग हैं वो तो एक दूसरे भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं। हमारे राजस्थान में सरकार है, आज कांग्रेस सरकार है तो हमारे भ्रष्टाचार बहुत है, दूसरा बात गरीबों की नहीं सुनी जाती है, अत्याचार बहुत हो रहे हैं। लेकिन कह तो रहे हैं कि मोदी जी भी बहुत अत्याचार करते हैं, ऐसा लोगों नहीं, ऐसा भी अभी हमने तो देखा नहीं है। क्या लगता है राजस्थान के लोग का मन है कि मोदी जी वापसी करें? हाँ, राजस्थान का पूरा है, पूरे मूड है। कर्नाटक जीत गई अब कांग्रेस, तो अब तो बदलाव का मूड आ गया है लोगों का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, लेकिन कहीं हो जाता है, हाँ, देश में नहीं होगा। देश में नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2024 में मोदी ही सरकार आएगी। मोदी आएगी। नोटबंदी की बात हो रही है, कह रहे हैं फिर से नोटबंदी कर दी है कि इन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो क्या है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका काला धन है, वो वापस आने का चांस रहता है, वो वापस आने का चांस रहता है। कह रहे हैं मोदी तो लाइन में लगा रहे हैं हर व्यक्ति को, बस लाइन में लगा दो और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमारे देश के ऊपर यही है कि हमारा देश स्वच्छ रहे, अच्छा रहे और मजबूत रहे। मजबूत रहे। सर क्या नाम हो गया आपका? मनीष। कहाँ से हैं सर? इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मैं मौजूदा जो हालात हैं इस समय जो चल रहा है, परिस्थितियों पर अगर बात करूँ, तो क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी गवर्नमेंट ही आएगी। मोदी गवर्नमेंट आएगी, रिपीट। क्यों आएगी, क्या वजह है? जो भी मुद्दे हैं, जो उन्होंने अपना रखा था, प्रोजेक्ट रखा था, उसे कंप्लीट किया है, तो सीधी सी बात है कि ये दोबारा आएंगे। लेकिन जो अभी निर्णय लिए जा रहे हैं, जैसे अभी ये फिर से 2000 के नोट का जो निर्णय लिया गया है, उसके बाद से लोग गलत निर्णय क्या है? आपके पास 2000 के नोट कितने थे आपके पास अभी? थे मेरे पास तो नहीं है। मिडिल क्लास या फिर आप किसी जनरल स्टोर में चले जाओ, किसी के पास थे, किसी के पास नहीं थे, जो भी फिर दुकान लाइन में लगा दे रहे हैं। लाइन में कहाँ लगा? 500 का नोट आपका चल ही रहा है, 100 का चल ही रहा है, 20 का चल ही रहा है। लोकल लोगों के पास कितना था? 500 के मैक्सिमम 500 के रखते थे, या फिर आप QR स्कैन करते थे। आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के पास तो 2000 के नोट थे नहीं, वो या तो व्यापारी बिरादरी के पास थे या फिर कह लीजिए कि नेताओं के पास थे। तो क्या लगता है इन मुद्दों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव। हाँ। लेकिन कांग्रेस वाले लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी तो अपनी बात से पलट जाते हैं। जिसका जो काम है वो तो करेगा ही ना, जो अपोजिशन में वो अपना काम करेगा, जो मौजूदा गवर्नमेंट में है वो अपना काम करेगा, तो उनका काम है कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करना, वो करेंगे ही। क्या लगता है विपक्ष की तरफ से कोई नजर आता है आपको कि मोदी को टक्कर दिए? जो उनका एक फेस होना चाहिए वो फेस उनके पास अभी है नहीं। मान लीजिए अगर आप किसी को फला पर्सन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं काम किया होता, मान लीजिए 10 साल कहीं का चीफ मिनिस्टर रहता, 15 साल चीफ मिनिस्टर रहता, उसने कुछ किया होता, तो आपके पास एक विजन होता कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अभी उनके पास नेता बहुत सारे हैं, विजन नहीं है। आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया थे या जो भी यूथ नेता थे, आपके सचिन पायलट थे, आपने उसे साइडलाइन कर दिया। आप प्रोजेक्ट किसे कर रहे हो जो एकदम रिटायर्ड उस पर हैं? जैसे आप ले गए MP में, किन को ले गए? कमलनाथ जी को या फिर अशोक गहलोत को ले गए, जो रिटायरमेंट के पे हैं आप उन्हें स्विच कर रहे हो। जो यूथ है या फिर एक कह लीजिए कि जो एक्सीलेट कर सकते हैं उन्हें आप साइडलाइन कर दे रहे हो, ये गलत है ना। इसका फर्क पड़ेगा मतलब? सीधी सी बात है। बाकी आएंगे, मोदी गवर्नमेंट भी आएगी। अच्छा, कोई बदलाव का मूड नहीं हो जनता का? देखिए बदलाव सभी लोग हैं कि स्टेट गवर्नमेंट वाइज सभी का अलग निर्णय है, बट अगर सेंट्रल में देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट रिपीट होगी मेरे हिसाब से, बाकी दुनिया का पता नहीं। अशोक कुमार मंडल। अशोक कुमार जी, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 2024 में? बीजेपी है और कौन है? बीजेपी क्यों, क्या वजह है बीजेपी की? अरे हर चीज है वहाँ, हर चीज है। हाँ हाँ, हर चीज है। लेकिन कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी? नहीं नहीं, मोदी जी सबसे अच्छा काम करे, इसमें अच्छा कर रहे हैं, इसमें कहने का कोई बात नहीं। पहले तो रोड भी नहीं थे, बिजली भी नहीं थे, घर रहने के लिए नहीं थे, अभी तो सब कुछ मिल रहा है आदमी को, सब कुछ मिल रहा है। और क्या, जिसको नहीं घर था, टूटा हुआ घर था, उसके मकान बना रहे हैं अभी, सब कुछ बन चुका है। वालों को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी क्या दिखाई देगा? जिसको ज्ञान नहीं है उसको क्या दिखाई देगा?
कह रहे कांग्रेस आनी चाहिए अब तो। नहीं नहीं वो नहीं आनी चाहिए, हम उसका कर्नाटक में आ गई अब देश में भी आने वाली। नहीं 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 आएगी, यहाँ बस बीजेपी का ही सरकार रहेगी। उधर नारा लग रहा था बदलाव की आंधी राहुल गांधी। नहीं नहीं वो सब नारा कोई काम नहीं करेगी, कोई काम का नहीं है, कोई नारा काम कोई काम का नहीं है। बदलाव की आंधी राहुल गांधी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोदी के आगे कोई टिक क्यों नहीं रहा? कोई नहीं टिकेगा भी नहीं कभी। क्या वजह है? मतलब वजह काम दिख रहा है, काम दिख रहा है, काम दिख रहा है, दिख रहा है। विपक्ष को नहीं दिख रहा बस काम, कुछ नहीं। वो तो पप्पू हो गया, पप्पू हो गया। तो केजरीवाल जी अनपढ़ बता रहे हैं प्रधानमंत्री, जो खुद जैसा रहेगा वो दूसरे को वैसा ही बोलेगा ना।